हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे वी विल डिस्कस अ चैप्टर दैट इज़ हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है हमारा दैट इज़ हाइट एंड डिस्टेंस तो हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग पढ़ेंगे आज हाइट एंड डिस्टेंस तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारा दो कंसेप्ट है ठीक है क्या क्या है तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को देखना है डेट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन है ना एंगल ऑफ एलिवेशन तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है उसको हम समझते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टैंडिंग सी इफ वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर मतलब कि एक ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर है ना मतलब जो देख सकता है इधर उधर ठीक है ना मतलब कि एक ह्यूमन बींग एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर क्या है इस पॉइंट पे है पी पॉइंट पे ठीक है, है वो क्या करता है आर पॉइंट को क्या करता है देखता है ठीक है मतलब इस पॉइंट को क्या करता है वो ऑब्जर्व करता है इस कंडीशन में ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन हुआ मतलब ये आई लेवल है है ना आई लेवल को हम लोग कहते हैं हॉरीजोनटल है ना लाइन इसको क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्या है लाइन ऑफ साइट है क्या है लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ साइट करने का मतलब कि ये ऑब्जर्वर इस लाइन से आर को देख रहा है तो जब कभी भी ऑब्जर्वर मतलब कि बिलो से टॉप देखता है है ना बिलो से टॉप देखता है और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा एंगल ऑफ इलीवेशन ठीक किसका ऑफ आर है ना आर इसको मैंने आर के कारण ये एंगल बन रहा है ना मतलब आर <coughs> इस पॉइंट पे है तब ना ये ऑब्जर्वर उस पॉइंट पर देख रहा है अगर इस पॉइंट पर रहेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा जीरो होगा है ना तो कहने का मतलब कि एंगल ऑफ़ एलिवेशन बनने को मजबूर मतलब कि कौन बना रहा है ड्यू टू आर इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आर बोलते हैं और इसी को हम लोग लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पी है ना पी के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है आर था तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है जब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बनता है ठीक है ना अगर बोला जाए कि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट एक ही लाइन पे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ कितना होगा जीरो होगा ठीक है तो ये हमारा एक कंसेप्ट हुआ डेट इज लाइन ऑफ साइट चलो सॉरी लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन सेकेंड है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन तो उसको भी हम देख लेते हैं क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ठीक एंगल ऑफ डिप्रेशन में आप देखिएगा कि जब कभी भी ऑब्जर्वर अपर पॉइंट मतलब टॉप पे हो और वो नीचे देखने की कोशिश करता हो फॉर एग्जांपल अगर ड्रोन कैमरा आज के डेट में लॉकडाउन जो है है ना ड्रोन कैमरा चारों तरफ घूम रही है तो ड्रोन कैमरा जब नीचे की ओर फोकस करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखती है है ना तो उसके मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मान के चलो कि हमारा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है पॉइंट आर पे है ना तो देखिएगा कि इसका आई लेवल क्या होगा ये होगा आई लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है ना और हॉरिजॉन्टल टल लाइन और ये क्या है हमारा लाइन ऑफ साइट है. क्या है लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं थीटा कहते हैं क्या कहते हैं थीटा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा क्या होगा थीटा होगा <coughs> तो यहाँ पे बोलेंगे कि थीटा इज नोन एज हेयर एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना एंगल ऑफ़ डिप्रेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू आर ठीक है ना मतलब कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने में कौन मजबूर कौन पॉइंट मजबूर कर रहा है पी पॉइंट है ना अगर ये पी पॉइंट नहीं रहता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनता ठीक तो हमारे पास दो कंसेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस में पहला था डैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन इन्हीं दो कंसेप्ट का इस्तेमाल कर कर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम बनाएंगे एंड प्रीवियस <coughs> जितना भी कंसेप्ट पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में डेट इज़ द रिलेशंस है ना रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ ये सब जितना भी हम कंसेप्ट पढ़े हैं उन सब का इस्तेमाल तो होगा ही लेकिन हमारे पास दो बेसिक कंसेप्ट है डेट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है ठीक है इन दोनों में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है डैट इज एंगल ऑफ़ एलिवेशन मान के चलो यहाँ ऑब्जर्वर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा इसको हम ठीठा वन बना लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ठीठा टू बना लेते हैं ठीक है ना तो न्यूमरिकली अगर देखा जाए तो थीटा वन विल बी इक्वल टू थीटा टू क्यों होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है दोनों आपस में पैरल है क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है ना दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है ठीक है दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है तो क्या है पैरल है पैरल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है पी आर तो यहाँ पे थीटा वन और थीटा टू आपस में क्या होगा इक्वल होगा ठीक है तो ये न्यूमेरिकली क्या है इक्वल मतलब वैल्यू के हिसाब से दोनों इक्वल है लेकिन कंसेप्चुअल मतलब कि कंसेप्ट के आधार पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है अलग अलग है है ना मतलब कंसेप्ट के आधार पे दोनों का मतलब अलग है एंगल ऑफ एलिवेशन अलग होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग होता है एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब क्रिएट होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब क्रिएट होता है ठीक है लेकिन न्यूमेरिकली देखा जाए तो दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा लेकिन कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो दोनों का वैल्यू डिफर करता है ठीक है अब इस पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे लेवल वन का है ना मतलब कि हमारे पास दो टाइप का क्वेश्चन होते हैं एक ईजी होते हैं है ना मॉडरेट होते हैं और हार्ड होते हैं तो हम लोग ईजी मॉडरेट आज करेंगे ठीक है हार्ड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सी वी हैव क्वेश्चन वन ऑन द बोर्ड टावर इज हंड्रेड रूट थ्री मीटर हाई फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट हंड्रेड मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट फिर से क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं कि अ टावर इज हंड्रेड रूट थ्री मीटर हाई है ना तो एक टावर हम बनाएंगे जिसका हाइट कितना होगा हंड्रेड रूट थ्री मीटर है ना तो सी ए बी ठीक है ए बी एक टावर हम लेट कर लेते हैं जिसका हाइट है हंड्रेड रूट थ्री दिस इज द हाइट ऑफ टावर ठीक है और ये हमारा क्या है मीटर में मीटर लिख दिए तो सॉल्यूशन में हम ये बात लिखेंगे कि लेट ए बी बी आ ए बी बी आ टावर है ऑफ हंड्रेड रूट थ्री मीटर ठीक तो ये बात हमको लिखना होगा कि हमारा जो ए बी है है ना वो क्या है हाइट ऑफ टावर उसके बाद फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ़ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट हंड्रेड मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट है ना मतलब कि टॉप से एक पॉइंट है और पॉइंट से ठीक और पॉइंट से इसके फुट का जो दूरी है पॉइंट से इसके फुट का जो दूरी है वो कितना है हंड्रेड मीटर है ठीक है तो इसको सी भी मान लिए ठीक है ये नाइन्टी डिग्री होगा हमेशा टावर स्ट्रेट होता है और स्ट्रेट परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड पे है ना ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा टावर है तो टावर ग्राउंड पे कैसा होता है परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 हो जाएगा और ये एंगल ऑफ़ एलिवेशन होगा है ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मान लिए है ना तो सॉल्यूशन में आइए देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी है डैट इज़ कि रिलेशन हमको चेक करनी होती है ना कि क्या क्या दिया हुआ और क्या निकालना तो यहाँ पे तो एंगल निकालना है हमारे पास क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ तो बताइए आप परपेंडिकुलर और बेस का ऐसा कौन सा रेशियो है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं आप टैन इस्तेमाल कर सकते हैं कॉट इस्तेमाल कर सकते हैं कर सकते हैं नहीं तो आप अदर भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कब जब आप हाइपोटेनस निकाल लीजिएगा पैथोगोरस थ्रोम आप अप्लाई कीजिए और पैथोगोरस थ्रो अप्लाई करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का यूज़ कर सकते हैं है ना तो उतना हम लेंदी क्वेश्चन को नहीं ले जाएंगे यहाँ पे सिंपली हमको क्वेश्चन में एंगल पूछ रहा है यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का इस्तेमाल करो उसका इस्तेमाल करो है ना यहाँ परपेंडिकुलर ऑफ बेस है ना दिया हुआ है तो ए बी का वैल्यू हमारा है डैट इज़ हंड्रेड रो थ्री मीटर है ना बी सी का वैल्यू है डैट इज हंड्रेड मीटर देयर फोर टैन टेंटीठा एक रिलेशन बनाता है डेट इज परपेंडिकुलर बाय बेस है ना टैन टीठा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डेट इज ए बी एंड बेस इज बी सी इसका वैल्यू है हंड्रेड रूट थ्री डिवाइडेड बाय हंड्रेड है ना और मीटर मीटर कैंसिल हो गया हंड्रेड हंड्रेड कैंसिल हो गया तो टैन थीठा इज इक्वल टू कितना आ गया रूट थ्री और रूट थ्री का टेन टीटा के फॉर्म में जब लिखते हैं तो टेन सिक्सटी लिखते हैं क्या लिखते हैं टेन सिक्सटी तो टेन टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया तो एंगल ऑफ इलिवेशन जो हमारा हुआ यहाँ लेट कर लेंगे लेट एंगल ऑफ इलीवेशन बी थीटा है ना तो देअ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री ठीक तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का इस्तेमाल करके हम अननोन वेरिएबल को निकाल सकते हैं है ना चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं सी वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन द बोर्ड एंड इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट अ ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट टॉप टच इज़ दी ग्राउंड एंड मेक एन एंगल सिक्सटी डिग्री विद द ग्राउंड है ना मतलब एक पेड़ है है ना जिसका हाइट ट्वेल्व मीटर था एक विंड आया ठीक और विंड आने के बाद ये पेड़ क्या हुआ टूट गया है ना इस तरह टूटा कि उसका जो टॉप था वो क्या हुआ ग्राउंड को टच किया मतलब अलग नहीं हुआ टूट ठीक है न मतलब मान के चलो कि ए बी हमारा हाइट ऑफ द क्या है ट्री है ए बी इज़ द हाइट ऑफ द ट्री जिसका टोटल हाइट कितना था ट्वेल्व था है ना ट्वेल्व मीटर मतलब कुछ एक ऐसे पॉइंट पे ये कट हो मतलब टूट गया और टूट कर ये जुड़ा हुआ इसी से और इसका जो टॉप है वो क्या होगा नीचे धीरे धीरे गिरेगा और गिरा इस तरह से कि ये ग्राउंड को टच करता है और ग्राउंड को टच करने पे ये एंगल बनाता है कितना डिग्री का 60 डिग्री का ठीक तो मान के चलो कि एक्स पॉइंट मतलब एक्स डिस्टेंस से ये क्या हुआ ब्रोक डाउन हुआ तो ये 12 माइनस एक्स होगा इसका वैल्यू मतलब हमको ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स और हमारा ये जो है वो कितना है बी सी हमारा क्या है X है अब क्या कर रहा है विद द ग्राउंड एट वाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड मतलब कि बॉटम से कितने हाइट की दूरी से पेड़ टूटा वो बताना है. ठीक है तो एक्स इसको मान लिए हैं यहाँ पे हमारा बेस है ग्राउंड है ये ग्राउंड है है ना? और ये हमारा ट्री है लेट ए बी बी अ ट्री ऑफ हाइट ट्वेल्व मीटर है ना एंड बी डी बी बी डी बी द ग्राउंड ठीक उसके बाद हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है ठीक है यहाँ पे जो ठीक ठाक वैल्यू कि है कितना है सिक्सटी डिग्री ठीक अब आप बताइए कि ये जो टूट कर नीचे आया तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा है ना डेट इज ट्वेल्व माइनस एक्स है ना मतलब ए सी का ही हिस्सा ना मतलब यहाँ हम इस तरह लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू डी सी लिख सकते हैं डेट इज ट्वेल्व माइनस एक्स मीटर ठीक हमारे पास यहाँ पे देखोगे डायग्राम में डी हमारा क्या है पोटेनस है बी हमारा क्या है परपेंडिकुलर है अगर हमको लेना होगा इन ट्राइंगल अगर लिखते हैं इन ट्राइंगल डी है triangle, DBC, ना एंगल डी बी सी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है ठीक तो 90 डिग्री है तो यहाँ पे डी जो हमारा होगा वो है पोटेनस होगा डेट इज़ ट्व माइनस एक्स है ना और बी जो है वो एक्स है ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो इसका रिलेशन हमारा देता है साइन तो साइन थीटा इज इक्वल टू तो हम क्या लिख सकते हैं बी सी बाई डी सी लिख सकते हैं है ना और साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे सिक्सटी डिग्री और बी सी का वैल्यू एक्स है और इसका वैल्यू क्या है ट्वेल्व माइनस एक्स है ना इसको सॉल्व करेंगे साइन सिक्सटी का वैल्यू कितना होता है रूट थ्री बाई टू क्या होता है रूट थ्री बाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व माइनस एक्स है ना इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा एक्स का वैल्यू ठीक है इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग चलो यहाँ पे हम कर देते हैं हा? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेल्व रूट थ्री माइनस एक्स रूट थ्री है ना इज इक्वल टू टू एक्स ठीक लिख सकते हैं इतना अब देखो टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व रूट थ्री ठीक तो यहाँ से x कॉमन तो टू प्लस रूट थ्री गया, इज इक्वल टू ट्वेल्व रोट थ्री तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ट्वेल्व रोट थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस रूट थ्री ये आंसर हो सकता है या नहीं तो इसको सॉल्व कीजिए रूट थ्री का वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री टू रख देंगे ठीक है और रखने के बाद सॉल्व कर लेंगे ठीक है दैट इज दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर तो क्वेश्चन नंबर टू भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे सी वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर

ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक मान के चलो कि पी आर हमारा क्या है टावर है पी आर इज अ टावर ठीक इसका हाइट हमको नहीं मालूम है है ना तो इसको हा, इसका हाइट हम क्या कर लिए एक्स मान लिए। क्या कर लिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं लेट पी आर बी अ टावर ना? Of height. Of height है ना ऑफ हाइट ऑफ हाइट एक्स मीटर ठीक अब यहाँ पे सन है ठीक सन का जब रे आएगी इस टॉप पे लगेगी तो कहीं ना कहीं तो साइडो ग्राउंड पे बनेगा ठीक है ये मान लो कि हमारा क्या है ग्राउंड हो गया ठीक है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है फोर्टी फाइव डिग्री अब कह रहा है कि इसका जैसे ही हाइट हुआ मतलब कि सन का है ना वेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेज है ना मतलब इसका एल्टीट्यूड चेंज हुआ तो साइडों का डिस्टेंस भी चेंज हो गया कितना से टेन मीटर से ठीक ठीक है ना शैडो का डिस्टेंस भी क्या हो गया चेंज हो गया कितना से टेन से और एंगल ऑफ एलिवेशन भी बदल गया कितना थर्टी डिग्री मतलब फोर्टी फाइव से कितना हो गया थर्टी हो गया एक चीज हमेशा यहाँ याद रखना कि जब कभी भी एंगल को रिप्रेजेंट करना है मतलब कि यहाँ पे 45 होगा कि यहाँ 30 होगा वो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम स्ट्रेट लाइन मतलब कि इस लाइन के नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाएगा जैसे इस लाइन से हम क्या होंगे दूर जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन घटते जाएगा ठीक जैसे ये थट्टी है छोटा एंगल है पैंतालीस से तो कहने का मतलब ये एंगल इस लाइन से क्या है नज़दीक में है कंपेयर टू दिस इसलिए ये 45 है और ये 30 है अगर हमको 60 रिप्रेजेंट करना होगा तो ये 45 से और आगे आएगा क्यों आगे आएगा क्योंकि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड जो हमारा होता है परपेंडिकुलर लाइन उसके नज़दीक हम लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होता है इनक्रीज़ करेगा ठीक है ना तो ये एक बेसिस बेसिक कंसेप्ट है अगर हमको डायरेक्ट लिखना होगा ठीक है ना क्वेश्चन से अगर क्लियर नहीं होता है तब यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम उसी का बनेगा जिसका वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत अच्छा है है ना जिसका नहीं है उसको बहुत सीखना पड़ेगा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन को बार बार पढ़ना होगा ठीक है ना इससे नहीं कि हम रट लेंगे और बना लेंगे नहीं ठीक है यू हैव टू प्रैक्टिस यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन है ना तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है कि लेट पी आर बी अ टावर ऑफ हाइट इतना हम मान ली हमसे पूछ रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर तो हमको एक्स का वैल्यू चाहिए हमको किसका वैल्यू चाहिए एक्स का यहाँ पे टेन मीटर ये दिया हुआ है उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ ठीक है तो अगर इसको हम x ना मान के इसको हाइट मान लेते हैं h मान लेते हैं ठीक है ना क्यों मान रहे हैं उसके पीछे रीजन देखिए ये h हो गया हमारा हाइट इसको हम x मान लेते हैं किसको ये डिस्टेंस को ग्राउंड का जो फर्स्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है मान लिया चलो s ठीक है तो लेट आर एस बी एक्स आर एस को हम क्या मान लिए x मान लिया और हमारा क्यू एस क्या दिया हुआ है टेन मीटर दिया हुआ है ना इट इज़ गिवन तो आपसे क्या पूछ रहा है तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ देखो पहला हम ट्राइंगल अगर लेते हैं ये पी आर एस इन ट्राइंगल पी आर एस अगर लेते हो, एंगल पी आर एस कितना है नाइन्टी डिग्री है ठीक तो ये x है और ये क्या है h है मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस का अगर रिलेशन हम निकालते हैं किसका रिलेशन निकालते हैं तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं पी आर बाई आर एस ठीक है तो टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू पी आर का वैल्यू कितना h है और आर एस का वैल्यू क्या है x है और फोर्टी डिग्री का वैल्यू क्या होता है टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है वन क्या होता है वन तो हम इसको क्या लिखेंगे वन इज इक्वल टू एच बाई एक्स देयर फोर एक्स इज इक्वल टू एच मतलब जितना डिस्टेंस एक्स का है उतना ही डिस्टेंस या उतना ही मेजरमेंट किसका है एच का है तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक रिलेशन यहाँ से बन गया मतलब कि इक्वेशन वन बोल सकते हैं चलिए सेकेंड हम ट्राइंगल में देखते हैं तो हम क्वेश्चन को रब कर रहे हैं अभी ठीक है बोर्ड छोटा है ठीक है ज़्यादा बड़ा है नहीं बोर्ड इसी में काम चलाना है देखो सेकेंड ऊपर हम बना रहे हैं इन ट्राइंगल अगर हम लिखें दैट इज़ पी आर क्यू पी आर क्यू इसमें आप देखिएगा कि टेन थर्टी अगर लिखते हैं थर्टी डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा टेन थर्टी इज इक्वल टू पी आर पी आर का वैल्यू एच है और इसका वैल्यू क्या है एक्स प्लस टेन है ठीक तो यहां से हम हो. वैल्यू होता है वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टेन एक्स के जगह पर हम एच रख सकते हैं एच प्लस टेन ठीक है अब कहोगे कि एच को क्यों नहीं रिप्लेस किए आप एच को क्यों नहीं रिप्लेस किए एच को इसलिए नहीं किए क्योंकि हमको एच का ही वैल्यू पता लगाना है ना हाइट ऑफ द टावर निकालना तो डायरेक्ट हम क्या किए एक्स को ही रिमूव कर दिए फ्रॉम इक्वेशन वन हम क्या लिख सकते हैं एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं एच लिख सकते हैं कहाँ से तो फ्रॉम इक्वेशन वन है ना इक्वेशन वन में यही ना बोल रहा है कि एक्स का जो मेजरमेंट होगा वही एच का मेजरमेंट होगा तो हमने क्या किया यहाँ से एक्स का जो वैल्यू था उसको एच लिख दिए अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं एच प्लस टेन इज इक्वल टू एच रूट थ्री या रूट थ्री एच है ना तो हम ये बात लिख सकते हैं इसको हम यहाँ ले आते हैं ठीक है इसको लिखेंगे रूट थ्री एच माइनस एच इज इक्वल टू टेन एच कॉमन निकालोगे तो रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टेन तो एच का वैल्यू क्या हो गया टेन बाई रूट थ्री माइनस वन ठीक है इसको हम क्या करेंगे इस तरह भी मतलब रेशनलाइज कर देंगे और नहीं करेंगे रेशनलाइज तो रूट थ्री का अगर वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो इस तरह हमारा क्या निकल गया हाइट ऑफ द टावर निकल गया चलो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे सी वी आई क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल एक हिल है उसके टॉप से द एंगल ऑफ़ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स है ना ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी थर्टी डिग्री एंड फोर्टी फाइव डिग्री मतलब कि एंगल ऑफ़ डिप्रेशन बनता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल किसका टू कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स का जो ईस्ट के तरफ है है ना तो मान के चलो कि हम डायरेक्शन तो पढ़े हुए हैं है ना मान लो कि हम इसको नॉर्थ लेते हैं है ना तो ये हमारा क्या होगा ईस्ट होगा है ना एन ई एस डब्लू होता है क्या होता है एन ई एस डब्लू ठीक अगर हम नॉर्थ इसको लेते हैं तो ये हमारा ईस्ट होगा एन ई एस डब्लू क्लॉकवाइज मूव करेगी ठीक है अगर हम इसको नॉर्थ ही लेते हैं तो ये हमारा ईस्ट होगा एन ई एस डब्लू ठीक है क्लियर है तो मान के चलो कि हम नॉर्थ डायरेक्शन नीचे लेते हैं तो हमारा ईस्ट इस साइड होगा ठीक है तो इस कंडीशन में एक ए बी हाइट का हम क्या करेंगे ए बी हाइट का एक हिल ले लेंगे है हा ना हाइट ऑफ द हिल पूछ रहा है ना तो इसको हम एच मान लेंगे ठीक ये हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा एच मान लिए ठीक है ए बी इज हाइट ऑफ द हिल ठीक क्लियर है सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए बी बी आल ऑफ हाइट एच एंड लेट अब यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे ठीक है पहला स्टोन है अच्छा कॉन्जिक्यूटिव कर रहा है ना क्वेश्चन में क्या कर रहा है कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स तो पहला ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार दूसरा यहाँ पे रख देते हैं है ना तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं तो लेट सी एंड डी आर किलोमीटर स्टोन्स है ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल है ना तो टॉप ऑफ हिल क्या है हमारा बी है बॉटम हमारा क्या ए है मतलब बॉटम पे जो पॉइंट है वो क्या ए है और टॉप पे हमारा जो हिल का पॉइंट है वो क्या है बी है तो बी पॉइंट से मान के चलो हम लोग एंगल ऑफ अग डिप्रेशन कब निकालते हैं तो ये तो हमारा लाइन ऑफ साइट दो दिया हुआ एक स्टोन है सी पे और एक स्टोन डी पॉइंट पे है मतलब लेट सी एंड डी आर पॉइंट्स वेयर स्टोन्स आर केप्ट है ना या स्टोन्स आर देयर तो सी पॉइंट पे हमारा एक स्टोन है और डी पॉइंट पे स्टोन है तो लाइन ऑफ साइट बी से सी पहला स्टोन के लिए है लाइन ऑफ साइट बी डी जो है वो दूसरे स्टोन के लिए है तो एक हॉरिजोनटल लाइन बनाएंगे जिसको हम लोग स्ट्रेट मतलब आई लेवल कह सकते हैं अब यहाँ पे ये यह बताओगे कि ये छोटा एंगल बन रहा है मतलब कि थर्टी डिग्री ठीक और ये बड़ा एंगल बन रहा है यहाँ तक दैट इज फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है तो ये हमारा क्या होगा जैसे जैसे नज़दीक पहुँचते हैं वो फोर्टी फाइव होता है और ये कितना होगा थर्टी होगा क्लियर है तो ये हमारा मिल गया अब यहाँ पे थर्टी फोर्टी फाइव आ गया इसको हम क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे क्या मान लेंगे एक्स ठीक है अच्छा कॉन्जिक्यूटिव कब होता है जैसे वन का कॉन्जिक्यूटिव नंबर टू टू का क्या होगा थ्री थ्री का क्या होगा फोर है ना तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये हुआ तो लगातार का मतलब एक्स है तो अगला क्या होगा एक्स प्लस वन होगा है ना उसके बाद क्या होगा एक्स प्लस टू होगा एंड सोन है ना कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन से ये वन किलोमीटर यहाँ पे होगा है ना तो सॉल्यूशन में आते हैं तो इन ट्रायंगल बी